हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ मामा अर्थ के रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल के बारे में। ये है मामा अर्थ का रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल। इसमें लिखा हुआ है विथ रोज़मेरी एंड द मेथी दाना। रोज़मेरी और मेथी दाना दोनों ही हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जो रोज़मेरी है बाल बढ़ने की स्पीड को बढ़ाता है, साथ में ये है ना प्रीमेच्योर ग्रेइंग को भी रोकता है, इचिनेस को भी रोकता है और अपने जो स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है उसको भी रोकता है। मेथी दाना जो है वो आपके जो जड़े हैं बालों की उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे कि हेयर बढ़ने की स्पीड फास्ट हो जाती है। इसमें ये पूरी बॉटल है ना, इसमें सिर्फ रोज़मेरी ऑयल या मेथी एक्सट्रैक्ट ऑयल नहीं है, इसमें इसके अलावा और दूसरे ऑयल्स भी दे रखे हैं इसने। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसने यूज़ किए हुआ है। इसमें जो जो ऑयल्स इसने यूज़ किए हैं उसके साइंटिफिक नाम के साथ में इंग्लिश नाम भी दे रखे हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से ऑयल्स इसने यूज़ किए हैं। इसमें है सनफ्लावर सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, रोज़मेरी लीफ ऑयल एक्सट्रैक्ट, भृंगराज है, ब्राह्मी ऑयल, आंवला फ्रूट एक्सट्रैक्ट, आलमंड ऑयल, कैस्टर सील ऑयल एंड द मेथी ऑयल, लीफ ऑयल, नीम सीड ऑयल, एलोवेरा लीफ ऑयल, विटामिन ई और ग्रेप सीड ऑयल। इसके साथ में टीनोगार टीटी है, वो एक तरह का एक एंटी ऑक्सीडेंट होता है। बट इसने परसेंटेज नहीं दे रखा है कि कौन सा ऑयल कितना परसेंट इसने यूज़ किया हुआ है। अगर दे रखा होता तो ज़्यादा सही रहता। दूसरा, ये जो ऑयल है मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाई थी, जो मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैंने मंगवाया था। ये 150 ml मुझे 419 रुपये में पड़ा था। और इसने यहाँ पर डायरेक्शन भी दे रखा है कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये पूरे पैकेज में एक इस बॉटल के साथ में एक कॉम एप्लीकेटर भी आता है, ऐसा कॉम एप्लीकेटर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि इसको रिप्लेस कर देना है कैप के साथ में। ऐसे ऐसे रूट्स में ऐसे लगाते हुए जाना है और स्लोली स्लोली लगाना है, क्योंकि अगर आप फास्ट फास्ट ऐसे स्क्रॉल करेंगे ना तो ये रूट्स में अच्छे से लग ही नहीं पाएगा। आपको है ना बहुत धीरे धीरे इसको लगाते जाना है और पूरे जड़ स्कैल्प की जड़ों में ऐसे लगा देना है, ठीक है। अभी मेरी आदत है कि मैं क्या है, मुझे चंपिंग करने को चाहिए, पूरे बाल एंड्स तक मैं ऑयल लगाती हूँ। कुछ लोग भी लगाते हैं। तो अगर मैं पूरा ऐसे चंपिंग करने में यूज़ करूँगी ना तो महीने भर में मेरी बॉटल चलेगी नहीं, 15 दिन में ही एंड हो जाएगा इसका। तो मैं क्या करती हूँ कि स्कैल्प में तो मैं इसको लगा देती हूँ, ये वाली जो तेल है वो, और दूसरा क्या करती हूँ कि थोड़ा कोकोनट ऑयल लेके ये थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ उसमें और फिर मैं पूरे बालों में ऐसे लगा के चंपिंग करती हूँ। एक तो वीक में मुश्किल से 1-2 या 3 बार बाल धोते हैं, उसमें भी अच्छे से मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है बालों को, ठीक है। मैंने तो 2 दिन पहले ही धोया है, बट डेमो दिखाने के लिए मैंने ऑयल लगा लिया है, कोई बात नहीं। अभी इसमें ऐसे लगाने के बाद में इसको रखना है 3 घंटे के आसपास, रख सकते हैं या फिर ओवरनाइट रख के फिर धो देना है। इसमें लिखा है कि बाल आप इसके मामा अर्थ रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू से धोइए। मैं तो नहीं करती हूँ यूज़ ये वाला, पर मैं ट्राई करूँगी ये वाला शैम्पू खरीद के फिर इससे बाल धोने का, फिर उसके बारे में भी रिव्यू दूंगी कि कैसा रहा मेरा अनुभव इसके साथ उसके साथ में। अभी इस ऑयल का अनुभव मेरे साथ में कैसा रहा, मैं मेरे बालों पे कैसा रहा मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं पूरी बोतल यूज़ कर चुकी हूँ, इतना परसेंटेज बचा है, मेरे बालों पे असर दिखा है। ये बाल तो नॉर्मली ग्रोथ करते ही है पर बाल बढ़ने की स्पीड बढ़ गई है। अभी दिवाली का सीजन आ रहा है, शादी आ रही है, तो क्या है लंबे बालों में हेयर स्टाइल करने में मज़ा आता है, इसलिए मैंने एक दूसरी बोतल भी मंगवाई है। अभी मेरे पास 2-2 बोतल है और ये ऑयल डेफिनेटली काम करता है, मेरा पर्सनल अनुभव है ये काम करता है और इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इसमें सिर्फ रोज़मेरी और मेथी दाना ऑयल के अलावा बहुत अच्छे अच्छे हेल्दी ऑयल भी दे रखे हैं इसने। तो वाई नॉट, जब आपको सब कुछ एक ही ऑयल में मिल रहा है तो करना चाहिए, ठीक है। ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा था। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रहिए हेल्दी हैप्पी, बाय।